पिछले 15 वर्षों से भाजपा सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा था उसे खत्म करने में समय तो लगेगा ही, जिसके लिए मैं और हमारी सरकार लड़ाई लड़ रहे हैं। एक साल में काफी हद तक हमने भ्रष्टाचार खत्म करने पर सफलता पाई है। उक्त बातें गुरुवार की शाम प्रेस वार्ता में कोतमा विधायक सुनील सराफ ने श्री गोविंद होटल पर कही। प्रेस वार्ता में विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि अपने क्षेत्र में कोयले की खदान है और इसी क्षेत्र का ज्यादातर दोहन भी हो रहा है। डीएमएम का फंड हमारे कोयला क्षेत्र में सबसे ज्यादा खरीज में जमा होता है। अभी तक हमने 40 करोड़ से ऊपर पैसे लेकर विधानसभा क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं। कोठी और बिजूरी के साथ ही में ही उन्नत करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन कोठी का उन्नयन हो गया और जल्द ही बिजूरी का भी उन्नयन होगा। इसी के साथ चपानी और राजनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी खोले जाएंगे। कोतमा विधायक ने बताया कि लगातार किसानों के संपर्क में हूं और किसानों के साथ किसी प्रकार से अन्याय नहीं होने दूंगा। मैंने कॉलोनी प्रबंधक के ऊपर दबाव बनाकर किसानों को नौकरी दिलाने का काम किया, जिसमें अभी 36 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है और आगे की प्रक्रिया राजस्व विभाग को और कॉलोनी प्रबंधन को पूरी करने के लिए कहा गया है, जिसमें कुल 899 नौकरी होनी चाहिए। मेरे द्वारा कहा गया कि सबसे पहले इन किसानों को नौकरी दी जाए, इसके बाद नौकरी में हुए फर्जीवाड़े की जाँच की जाए, जिन किसानों की कम जमीन है उन्हें मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति के तहत नौकरी उपलब्ध कराई जाए। अनूपपुर से धर्मेंद्र कांत तिवारी की रिपोर्ट। केस ऐसा है, कि जिसे जो गरीबी रेखा में नाम और एक डिसमिल जमीन भी नहीं है उसका। यदि कोई केस ऐसा है कि जो गरीबी रेखा में नाम जुड़ने के जो बिंदु होते हैं उसे वो फुलफिल कर रहा है, थोड़ा बहुत कम भी कर रहा है और निरस्त किया है एसडीएम ने, कृपया वो मुझे बताए, मैं उस पर कार्यवाही भी करूंगा। है ना, बहुत सारे प्रूफ है, उसमें हम कार्यवाही भी करेंगे और उसका नाम भी लेंगे। ठीक है, बिल्कुल मुझे ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया, जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं बन पा रहा है? हम नई जगह पे दे रहे हैं, कोठी आते हैं, बिजली के लोग कोठी नहीं जाएंगे, कोठी के लोग बिजली आ सकते हैं, उस पर वर्क क्यों नहीं हो रहा? क्या मतलब वो कहीं राजनीतिक बात करते हैं या फिर कहते हैं कोई राजनीतिक बात नहीं है? कोठी और बिजली दोनों हमारी सूची में था एक साल पहले, दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करना। कोठी इसलिए जरूरी था कि निगाँव का सेंटर वो कोतवा भी उनको दूर पड़ता है और बिजली भी दूर पड़ता है, तो हम लोगों ने कोठी आपस में बैठ के कोठी हमने चुना और बिजली तो चूंकि जरूरी है शहरी क्षेत्र, हमने दो मांगा सामुदायिक स्वास्थ्य पहले दिन से, हमारा दोनों गया। कई बार हम जैसा सोचते हैं पूरा वैसा नहीं हो पाता, कोठी हमारा निकल गया, जो उसमें हम लोगों ने कारण बताया कोठी निकल गया, बजट में बिजली को रोक दिया गया। उन्होंने देखिए हमारे सरकार की स्थिति किसी से छुपी नहीं है कि खाली खजाना नहीं, कर्ज में हमने नहीं थी सरकार, वो तो मुख्यमंत्री कर्ज में हर प्रदेश है, कोई ये नई बात नहीं है। आप राजनारायण जी, आप मुझे ये बता दें बजट उठा करके कि पिछली बजट में मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र ने कितना राज्यांश दिया और इस बार के बजट में 41,000 करोड़ आपने काट लिया। ये 2,00,000 करोड़ हमारे प्रदेश का कुल राजस्व है, जिसमें 1,20,000 करोड़ तो कर्मचारियों के तनख्वाह में चली जाती है। 80,000 करोड़ में आपका प्राकृतिक आपदा, अभी बाढ़ आई तो 800 जगह 8-10 जिले बह गए, हजारों सड़कें बह गई, पुलिया बह गए, प्राकृतिक आपदा आई, तो पैसे की कमी से जूझ रहा है हमारा देश। फिर भी उन्होंने कहा कि एक आप इस साल के बजट में एक सामुदायिक स्वास्थ्य ले लो, एक अगला, मैं अड़ा रहा नहीं, पर जब लिस्ट निकली तो एक कोठी की निकली। मैं आपको फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि बिजली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कोतमा सिविल अस्पताल और राजनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और चपानी उप स्वास्थ्य केंद्र, ये हमारे चारों इस बजट में प्रस्तावित है। ईश्वर का आशीर्वाद होगा तो इस बजट में चारों आपके हो जाएंगे, कहीं कोई राजनीति नहीं है, एक सिस्टम होगा। और बिजली सामुदायिक में उन्नयन कराना मेरी पहली प्राथमिकता है, स्वास्थ्य क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में आपने कोतमा को अग्रणी करना मेरी पहली प्राथमिकता। अच्छा, हाँ, अभी भी ये बात मेरे संज्ञान में आप पहले व्यक्ति हैं जो ला रहे हैं। अगर बिजली के बिल के कारण वहाँ की नल जल योजना कटी है तो अभी 10 मिनट में वो जुड़ेगा, क्योंकि पानी नहीं रोक सकते जी, 10 मिनट में अभी वो बिजली जुड़ेगी। आप लोग से यही आग्रह है ना, जैसे कोई चीज है
पता चल रहा है, मुझे पता नहीं चलती है। तो कुल मिला के बिजली बिल के चक्कर में अगर नल जल योजना कटे होंगे तो आप उसे तत्काल चालू करें इमीडिएट। जो प्रशासन के ऊपर अभी पिछले एक साल में चल रहा है आप लोग गवाह। लेकिन चक्कर क्या है सर, हर जगह मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ ना, मेरी फोटो कॉपी नहीं है, मैं अकेला हूँ। जो भी चीज मुझे पता लगती है, जैसे अभी अखबार में छपा था नीलू भाई जुए का, मैंने टीआई को फोन किया, टीआई छुट्टी में है सर, मैंने कहा ये क्या छपा है, बोले मेरी जानकारी में नहीं है। मैं कहा मुझे फालतू चीज नहीं चाहिए, हवा में कोई चीज नहीं छपती, अगर पेपर में छपी है तो आप उसको पता करिए, कार्रवाई करिए, ये सब हम मेरे क्षेत्र में ये सब नहीं चलेगा, मैंने आज कहा। तो कड़ाई पूरी है, कई बार तो क्या होता है कुछ चीजें अब एकदम से 100% नहीं है, पर आप देख लो ईमानदारी से आप कहना, पहले के और अब की कानून व्यवस्था में मुझे लग रहा अंतर आप लोग को दिख रहा होगा। पहले कोई घटना होती थी पुलिस कितनी देर में पहुंचती थी, आज कोई घटना होती है पुलिस कितनी देर में पहुंचती है। आप पहले और अब में काफी सुधार आया है और हमारी कोशिश होगी उसे और हम अच्छा बेहतर कर सके। और कहीं कोई स्पेसिफिक, जैसे अभी विनय भाई ने बताया हर्री का, ऐसा कोई स्पेसिफिक कुछ हुआ करे आप मुझे तत्काल।